ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था सॉल्व करने के लिए, क्या आपने ट्राई किया? चलिए अभी हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि सही जवाब क्या होगा। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 100% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 500%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज दिस, व्हाट्स द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, उन्होंने कहा है कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 400% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 500% एंड द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 15/22। तो हमें ये ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। तो ये हो गया 5x/6y इज इक्वल टू 15/22, x/y इज इक्वल टू 15/22 टाइम्स 6/5। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। 5 3s 2 11, तो ये होगा 9/11, ऑप्शन ए। विच नंबर शुड रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये देखिए एक ही नंबर है जो यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी। मैं वो नंबर x ले लेती हूँ, x/9 28 is equal to 58/x। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर x square is equal to 928 times 58। तो x would be square root of this value। तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लिख लेते हैं। 928 times 58, तो ये हो जाएगा 4 times 2, 4 2 8, 4 3 2, 2 32। अगेन इसे भी सिंप्लीफाई कर लें, ये 4 से तो नहीं होगा, 2 times 29, है ना, 2 2s 4 1 आएगा 9, 2 times 29। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, और इसे भी ऐसे ही रहने देते हैं। 232 को कैसा लिख सकते हैं हम अभी, ये 4 से होगा, यस, बिकॉज लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, तो 4 times 4 5 20, ये 4 तो यहाँ आ गया, फिर अभी हम लिखते हैं 4 टाइम्स यानी डिवाइड दिस बाय 4, 4 5 20 4 8 32 टाइम्स 2 times 29। तो अगेन दिस वुड बी 4 times 4 times 2 times 29 times 2 times 29। तो इसका स्क्वेयर रूट, दिस ऑल दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यानी एक्स हो जाएगा 4 times 2 times 29। ओके, तो 29 times 8, दैट इज आवर आंसर। 29 times 8, 8 9 72, 8 2 16 23, 232, ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज दिस मल्टीप्लीकेशन, ये 21 टाइम्स कुछ है, 21 पावर कुछ है, तो हमें वो पावर फाइंड आउट करना है। तो इसे हम रीअरेंज कर लिखेंगे, 3 power 3.5 टाइम्स 7 power 3.5। मैं ये 3.5 पावर साथ में ला रही हूँ, ओके, टाइम्स 21 स्क्वेयर टाइम्स 21 per 2.5 times 2 per 2.5, ओके, 42 को मैंने 21 times 2 लिखा है, ये सब divided by 2 power 2.5, तो ये आराम से cancel हो जाएगा, 2 per 2.5 cancel हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 21 power 3.5 times 21 square times 21 power 2.5। तो हमने देखा था कि a पर m टाइम्स a पर n होगा, तो a पर m प्लस n, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 21 पावर 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 21 पावर 8, देयरफॉर द राइट आंसर इज 8। इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, देन x plus y is equal to √5 + √3 / √5 - √3
plus root 5 minus root 3 by root 5 plus root 3. इसे मल्टीप्लाई करिए डिनोमिनेटर्स को, तो क्या होगा, रूट फाइव माइनस रूट थ्री टाइम्स रूट फाइव प्लस रूट थ्री, और ऊपर क्या आएगा, रूट फाइव प्लस रूट थ्री होल स्क्वेयर, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रूट फाइव माइनस रूट थ्री होल स्क्वेयर. अच्छा अभी देखिए कुछ फॉर्मूले, एल्जेब्रिक फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे. a प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वेयर के फॉर्म में है प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर. इसे लिख ले अगर आपको याद नहीं है तो, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस यहाँ देखें ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो यहाँ पर टू ए बी कैंसिल हो जाएगा, टू ए स्क्वेयर प्लस टू बी स्क्वेयर. तो ये वाला डिनोमिनेटर में यूज होगा, ये न्यूमरेटर में. तो इसे हम लिख सकते हैं टू टाइम्स रूट फाइव होल स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स रूट थ्री होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी रूट फाइव होल स्क्वेयर माइनस रूट थ्री होल स्क्वेयर. तो ये हो जाएगा टू टाइम्स फाइव प्लस टू टाइम्स थ्री डिवाइडेड बाई फाइव माइनस थ्री. फाइव माइनस थ्री इज टू, ये टू 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 कैंसिल हो जाएगा, फाइव प्लस थ्री बचेगा विच इज एट, ऑप्शन ए. ये भी पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है. ये देखें इसे हम रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव, रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट फाइव. ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट टू माइनस रूट फाइव कॉमन है दोनों में, रूट टू माइनस रूट फाइव, रूट टू माइनस रूट फाइव. तो हम x की वैल्यू को रूट टू माइनस रूट फाइव ले लें, y की वैल्यू को रूट थ्री ले लें, या a एन b जो भी कन्वीनियंट है आपको लिखने के लिए. इस तरीके से लेने से मुझे आएगा वन ओवर रूट टू माइनस रूट फाइव प्लस रूट थ्री, ओके, प्लस वन ओवर रूट टू माइनस रूट फाइव माइनस रूट थ्री. तो ये वो फॉर्म में हो गया कि वन ओवर ए प्लस बी प्लस वन ओवर ए माइनस बी. तो अभी यहाँ से एल्जेब्रिक इक्वेशंस लगाने पर इक्वेशन सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस रूट फाइव होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस रूट थ्री होल स्क्वेयर. और ये यहाँ जाएगा रूट टू माइनस रूट फाइव माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस रूट फाइव प्लस रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिससे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था. तो यहाँ पर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो रूट टू प्लस रूट टू इज टू टाइम्स रूट टू माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई, अभी ये देखें दिस वुड बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू रूट टेन. मैंने ये ए माइनस बी होल स्क्वेयर फॉर्म में लगाया और ये होगा माइनस थ्री. तो दिस वुड बी टू टाइम्स रूट टू माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू प्लस फाइव इज सेवन, सेवन माइनस थ्री फोर, फोर टाइम्स फोर माइनस टू रूट टेन. ठीक है, तो इसे मैं लिख दूंगी अभी टू टाइम्स रूट टू माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू टाइम्स टू माइनस रूट टेन. तो अभी ये हो जाएगा टू माइनस रूट टेन, तो टू टू तो ये कैंसिल हो गया, रूट टू माइनस रूट फाइव. देखते हैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसमें से मैं रूट टू अगर कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा रूट टू, बिकॉज टू कैन बी रिटन एज रूट टू टाइम्स रूट टू, तो मैंने रूट टू कॉमन लिया है, और टेन कैन बी रिटन एज रूट टू टाइम्स रूट फाइव. तो ये हो जाएगा रूट
2 minus root 5. तो ये भी cancel हो गया. Therefore, its answer is 1 over root 2. Option C. If star represents a number, then the value of star in this value. 5, 3, 5 star times 3 half is equal to 19. इसमें हमें star की value find out करना है. तो कोई भी number हो, 3, 7 by 2. इसे कैसे करते हैं? इसे multiply करते हैं. Then this is multiplied with this and then the answer is added to 7. So, ye hoga 3 to 6. 6 plus 7 is 13 by 2. Is tarikhe se. So, yahan par bhi hum wohi karenge. 5 multiplied by star plus 3 divided by star. Okay. Times 3 to 6 plus 1, 7. 7 by 2 is equal to 19. So 5 times star plus 3 by star is equal to 38 by 7. Star ki value aap 7 laga kar dekhen. If star is equal to 7, to upar ka value satisfy karta hai. This is 7. 5 7 is 35 plus 3, 38. Exactly. So star ka value is 7. Option A. 1 minus 1 half. 1 minus 1 third, 1 minus 1 fourth, and so on till 1 minus 100, or 100 part. What does this multiplication result in? This is simplify karke likhe, 1 minus 1 half would be 1 half. Yeh second bracket. 1 minus 1 by 3 would be 3 minus 1. That is 2 by 3. 1 minus 1 by 4 would be 3 by 4. And multiplied so on till 1 minus 1 by 100 would be 99 by 100. So, ye agar aap pattern samjhe to dekhe 2 2 cancel hoga, 3 3 cancel hoga, 4 aage jo bhi number aaya cancel hoga, usi tarike se yahan pe jo number hai aur 99 cancel hoga. To hamare paas bacha bas 1 over 100 which is 0.01. Option A. Root 5 plus root 3 whole square by root 5 minus root 3 square. ठीक है इसे सॉल्व करते हैं. रूट फाइव प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट फाइव माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस रूट फाइव माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू. ठीक है चलिए इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री. हमें ये निकालना है डिनोमिनेटर. ये दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है ताकि एडिशन इजी हो जाए. तो ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट को हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री. तो ये हो जाएगा रूट फाइव प्लस रूट थ्री बाय रूट फाइव माइनस रूट थ्री. देन मल्टीप्लाई दिस बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री एंड दिस वन बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर. This whole square, ये वाला square, plus again यहाँ पर root 5 minus root 3 by root 5 plus root 3. यहाँ पर multiply and divide by root 5 minus root 3. हम basically ये इसे a square minus b square form में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें एक कुछ integer आए denominator में जिससे हमारा numerator add करना बहुत आसान हो जाए. तो अभी देखें डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे एक सिंगल इक्वेशन एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं. रूट फाइव ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में. तो दिस वुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रूट फाइव स्क्वायर इज फाइव माइनस रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री. ये स्क्वायर ना नहीं भूले दिस स्क्वायर. ओके मैंने कॉमन लिख दिया है डिनोमिनेटर को. अभी न्यूमरेटर की वैल्यू देखें. दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. सो रूट फाइव प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर अगेन स्क्वायर यानी होल पावर फोर प्लस रूट फाइव माइनस रूट थ्री होल पावर फोर. अगर आपको फोर्थ रूट तक याद करना मुश्किल है तो इसे स्क्वायर एंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए. रूट फाइव प्लस रूट थ्री इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं रूट फाइव प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर राइट.
अभी रूट फाइव प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर क्या हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दिस अगेन होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू रूट फिफ्टीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये टू स्क्वायर क्या होगा फोर। अभी ये हो गया एट प्लस टू रूट फिफ्टीन, एट माइनस टू रूट फिफ्टीन, तो एट टू कॉमन ले ले उसमें, तो ये स्क्वायर साइन ना भूलें, तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, एट में से हमने टू निकाल दिया तो फोर, फोर प्लस रूट फिफ्टीन होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस रूट फिफ्टीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, ये पूरा डिवाइडेड बाय फोर, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हमें एक सिंपल फॉर्म में मिल गया है, अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया था उसका आंसर होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा टू टाइम्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज सिक्सटीन प्लस बी स्क्वायर इज फिफ्टीन, रूट फिफ्टीन स्क्वायर इज फिफ्टीन, तो टू टाइम्स थर्टी वन विच वुड बी सिक्सटी टू, ऑप्शन बी। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस सो ऑन इनफिनाइट टाइम्स है ये, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में अज्यूम करिए लेट एक्स इज इक्वल टू रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस सो ऑन, नाउ स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, दिस होल स्क्वायर दिस होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये स्क्वेयर रूट निकल जाएगा, सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स एंड सो ऑन, अगेन ये वैल्यू क्या है हमारी एक्स है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स टाइम्स एक्स माइनस थ्री प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इधर इक्वल टू माइनस टू और थ्री। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ समथिंग, तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, देयरफॉर एक्स वैल्यू शुड बी थ्री, ऑप्शन डी।